डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक में दी है, अगर वो ऑनलाइन अवेलेबल है तो आपको वो मिल जाएगी वहां पर। प्लस जो ऑफलाइन मैंने बाय किया है उनके बारे में भी मैंने वीडियो में आपको गाइड किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आज आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो बहुत छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री है गाइज, प्लीज मेक श्योर कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है एंड नोटिफिकेशन बटन को ऑन जरूर कर लीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। नाउ वीडियो में ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइज मैं शुरुआत कर रही हूँ सबसे ब्यूटीफुल बॉक्स से, इसमें मैंने सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बैंगल्स कैरी किए हुए हैं, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं। सो ये कुछ इस तरह का बॉक्स है और देख ही रहोगे इसमें मैंने कितने ढेर सारे बैंगल्स रखे हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करती हूँ मैं इस वाले बैंगल से। गाइज इस तरह के जो बैंगल्स होते हैं ना, स्पेशली जिनमें जर्दन का वर्क होता है, उसको आप कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रखा लीजिए। उससे ये होता है कि जब भी आप इस पैकेज को देखेंगे या इसको जब भी आप अनपैकेज करोगे ना, आपको ये बैंगल हमेशा फ्रेश और हमेशा न्यू ही लगेंगे। तो गाइस ये है मेरा पहला बैंगल जो कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और ये जो अगर इसकी बात करें कॉस्टिंग की, तो इस बैंगल का जो कॉस्ट है वो अप्रॉक्स 800 है, कुछ 750 इन्होंने मुझसे आई थिंक लिया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्योंकि मैंने कुछ बार्गेन किया था इस बैंगल में। अब दिखाते हैं इस वाले बैंगल की स्पेशलिटी। गाइस ये वाला जो बैंगल है वो एक चूड़ियों से मिलकर बना हुआ है, प्लस इसके बहुत ही ज़्यादा छोटे वाले जर्दन का वर्क है। एंड द बेस्ट पार्ट कि ये वाला जो बैंगल है ये किसी भी तरह के आउटफिट पे बहुत ही अच्छा जाता है, बिकॉज इसमें जो इन्होंने नक्काशी की है ना, उसमें बीच में इन्होंने फ्लावर का सीक्वेंस दिया है जिसमें इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कलर भी यूज़ किए हैं। तो अगर आपने रेड पहना है या आपने ग्रीन पहना है या आपने किसी भी कलर का आउटफिट पहना है तो ये उस पर बहुत अच्छे से जाएगा, बिकॉज ये जो कलर है इसका वो गोल्डन है और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस। पास से मैं आपको इसको दिखाती हूँ, अब मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह का आपके हाथ पे लगता है गाइस। इसका मैं जो दोनों सेट है, अगर आप साड़ी नहीं भी पहन रहे हैं, आप सूट वाले पर्सन हैं, तो भी ये वाला बैंगल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। मैं दोनों बैंगल आपको पहन के दिखाती हूँ। ये है गाइस मेरा पहला सेट जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। आई होप कि आपको भी ये बैंगल पसंद आया होंगे। अब गाइस जो इस बॉक्स का नेक्स्ट आइटम है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये वाला जो बैंगल है ना, ये मैंने वैसे तो ऑनलाइन परचेज किया था एंड कॉस्ट की बात की जाए तो गाइस ये मुझे कॉस्ट किया है 350 रुपीज, कुछ डिस्काउंट भी मुझे इसमें मिला था। और जो इसका साइज है वो 2/6 है। ये बैंगल मुझे इससे सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि में लगे हैं मोती और ये इसको फ्री कर देता है। आप इसको किसी भी तरह के आउटफिट पे पहन सकते हैं, स्पेशली अगर आप बंगाली हैं और अगर आप वाइट एंड रेड की कॉम्बिनेशन वाली साड़ी पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। या किसी भी तरह की बनारसी साड़ी पहनते हैं और उस पर अगर आप इस तरह के बैंगल्स कैरी करते हैं तो वो उस तरह के आउटफिट में बेस्ट रहता है। उस गेटअप को कोई भी अदर गेटअप मैच नहीं कर सकता, मीन्स वो अल्टीमेट बहुत ही गजब का लुक आता है। तो गाइस इस बैंगल को मैं आपको पहन के भी दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह का है, आपको इसको ओपन करने के लिए भी दिया है बट क्योंकि ये मुझे ऐसे ही हो जाता है इसलिए मैं इसको ओपन नहीं करती हूँ। और ये कुछ इस तरह का दिखता है। अब जो गाइस जो मेरा नेक्स्ट बैंगल है वो है
वर्क को आइकन एडी बोलते हैं और इस तरह के बैंगल्स आपको ऑनलाइन ऑफलाइन लोकल मार्केट हर जगह पे अवेलेबल होंगे। द बेस्ट पार्ट की ये जो बैंगल्स होते हैं ना, इनको एक गारंटी वारंटी में ही आते हैं। ये मीन्स इसकी कहते हैं गारंटी आपको 6 मंथ 3 मंथ इस तरह की रहती है और ये एक्सचेंज वाले भी होते हैं। बट मैंने इसको लोकल शॉप से बाय किया है और उन्होंने मुझे ऐसी कोई गारंटी नहीं दी है। बट आपको मोस्ट ऑफ द शॉप पे इस तरह के बैंगल्स अगर आप बाय करते हैं तो उनका ये रहता है कि 3 मंथ या 4 मंथ तक वो गारंटी करते हैं और एक्सचेंज भी कर लेते हैं। सो गाइस, अगर बात करें इस बैंगल की तो इस बैंगल का जो प्राइस है वो अप्रॉक्स 300 रुपीज है। और ये वाला जो बैंगल है मैंने बाय किया है स्पेशली अपने जींस टॉप और कुर्तीज पे पहनने के लिए। गाइस मैं इसको पहन के दिखाती हूँ। मैंने आप इसका 4 भी बाय कर सकते हैं, मैंने इसका सिर्फ 2 पीस बाय किया है क्योंकि मेरा पर्पस थोड़ा सा डिफरेंट था। और ये हाथ पे गाइस बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हैं। अगर आपने इस तरह का बैंगल कैरी किया हुआ है, इवन कुर्ती या अब जींस वाले पर्सन है जींस वगैरह पहना है उस पर भी अगर आप इस तरह का बैंगल डालते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। मैं आपको दोनों पहन के दिखाती हूँ। गाइस कितना प्रिटी लग रहा है, ये सिंपल भी है, शोबर भी है और आपके बैंगल्स भी आपने कैरी किए हुए हैं। सो ये रहा इस वाले बॉक्स का लास्ट आइटम, बट बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। इसको गाइस अगेन मैंने ऑनलाइन ही बाय किया है और मैं इस तरह की पैकेजिंग में ही ट्राई करती हूँ कि मेरे सारे बैंगल्स रहे ताकि वो सेफ भी रहे। तो गाइस ये है वो बैंगल। ये बैंगल क्या, ये ब्रेसलेट है गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। अगर आप बहुत जल्दी में हैं और इस तरह की चीज़ें आपके पास रहती हैं तो बहुत ईजी हो जाता है, आप इसको पर्स में भी कैरी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप इसको पहनेंगे। ये बहुत ब्यूटीफुल है, इवन ये साड़ी पे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसका प्राइस का बात करिए तो वो इसका जो प्राइस है वो अप्रॉक्स 250 रुपीज़ है आई गेस। एंड गाइस इसका डिज़ाइन देखिए कितना ब्यूटीफुल है, आई थिंक इसमें मोर बना हुआ है, प्लस ये व्हाइट कलर की इसकी मोती का वर्क है और ये बीच से भी ओपन होता है। तो ये गाइस बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि अगर आप चाहें तो आप इसको एज अ ब्रेसलेट सिंगल भी पहन सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको अपनी चूड़ियों के साथ भी पहन सकते हैं। आप अगर प्लेन रेड चूड़ियाँ डाल रहे हैं ना या ग्रीन और उसके साथ ही ये बैंगल्स पहनते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। सो ये है गाइस इस वाले बॉक्स का लास्ट आइटम। अब गाइस जो मेरा नेक्स्ट है ना वो है ये, शायद ही कोई लेडी हो जिसके पास चूड़ा सेट ना हो। एंड गाइस हालांकि मैं पंडित हूँ और मेरे यहाँ ऐसा कोई ट्रेडिशन नहीं है जिसमें मैं चूड़ा पहनूँ, बट स्टिल मुझे चूड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पेशली मैं वेस्टर्न वाले आउटफिट पे चूड़ा ज़्यादा पसंद करती हूँ इन कंपैरिजन टू साड़ी एंड ऑल। सो मुझे अगर मैंने कोई भी बाहर की ड्रेस पहनी है, लाइक बाहर की ड्रेस इन द सेंस की कहीं बीच वाली जो ड्रेसेस होती हैं उस पर स्पेशली मुझे चूड़ा कैरी करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आप ये भी सोच सकते होंगे कि ये कैसा शौक है, बट यही मेरा शौक है और मुझे इस तरह से पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ये जो चूड़ा है ना ये मेरे हाथ पे यहाँ तक चला जाता है, इसलिए मैं इस चूड़े को पूरा नहीं पहन पाती हूँ। जब भी मैं पहन पाती हूँ इतना ही पहन पाती हूँ। इसमें बहुत सारे बैंगल्स हैं, अभी आप देख रहे होंगे इसका सेट मैंने अलग रखा हुआ है क्योंकि मैं कभी कभी थोड़े से बैंगल इस तरह के, इसमें बहुत मल्टीपल बैंगल्स हैं गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको। ये कुछ इस तरह के इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल से कड़े दिए हैं, प्लस इन्होंने इसके साथ में कुछ इस तरह के भी बैंगल्स दिए हैं। तो कभी मैं इन रेड वाले बैंगल्स के साथ में इस तरह भी पहनना पसंद करती हूँ। मेरे सिंपल ये वाले बैंगल्स भी इन्होंने दिए हुए हैं, ये सब इसी का सेट है। तो इस तरह से मैं मिक्स एंड मैच करके पहनती हूँ। और कभी कभी मुझे अगर बहुत ज़्यादा कुछ मैंने भारी आउटफिट पहना हुआ है तो मैं उस पर इस पूरे सेट को भी पहनती हूँ, बट फिर भी रेड चूड़ियों को मुझे निकालना ही पड़ जाता है क्योंकि ये जो बैंगल का या चूड़ा का सेट है ना गाइस वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, इतना मैं क्वांटिटी कैरी नहीं कर पाती हूँ। सो ये है मेरा फेवरेट एंड सिंगल कह लीजिए, मेरे पास और इसके अलावा एक भी चूड़ा सेट गाइस नहीं है, ये मेरा इकलौता चूड़ा सेट है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पसंद होने का एक रीज़न ये भी है कि मैंने इसको पहना था अपने जयमाल के टाइम पे। अब उसके बाद गाइस मैं अब नेक्स्ट बॉक्स दिखाने जा रही हूँ। गाइस आपको ना अपनी सारी चीज़ों का, अगर आप चाहते हैं कि एक दिन आए और आपके पास बहुत ढेर सारा कलेक्शन हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पास वाली चीज़ों को भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखें, तभी आपके पास एक दिन आएगा जब आपके पास बहुत ढेर सारा और अच्छा सा कलेक्शन होगा। सो ये मेरा कुछ पूंजी है मेरी जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, एंड मैं इसको ओपन करती हूँ। प्लस अगर आप ब्राइड होने जा रही हैं, मीन्स अगर
अगर आपकी जल्दी में शादी होने जा रही है तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से गाइड करने के लिए रहेगी कि आपको ना कुछ इस तरह की बैंगल्स अपने पास रखनी चाहिए। अब मैं दिखाती हूँ कि ये वाले बैंगल्स का सेट मैंने क्यों बनाया था। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला बैंगल। अब इस तरह के जो बैंगल्स होते हैं ना, आप अगर प्लेन किसी साड़ी पे भी पहनेंगे तो होता क्या है, बीच में वाला बैंगल डाला और दोनों तरफ से चूड़ियाँ रहती हैं। आपने आज इस साड़ी पे इस वाले बैंगल को पहन लिया, कल आपने इसके साथ अलग चूड़ी पेयर की और आपने नेक्स्ट सेट इसको प्रिपेयर कर लिया। सो बेस्ट यही रहता है कि इस तरह के बैंगल्स रहने से ये होता है कि आपको हर चूड़ी के साथ में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। आप इस तरह के बैंगल्स अपने पास रखिए और डिफरेंट तरह की साड़ियों के कलर की आप चूड़ियाँ खरीद लीजिए, प्लेन वाली कुछ इस तरह की जो कि मैं हमेशा रखती हूँ, कुछ इस तरह की, इस तरह की, इस तरह की, इस तरह की। इसके अलावा भी आपको मेरे पास यहाँ पर ये देखिए बहुत सारी, इवन आप हर जगह देखिए ग्रीन, रेड, मरून, मैंने हर एक कलर की चूड़ियाँ रखी हुई हैं इस तरह के बैंगल्स पे मैं पेयर करती हूँ और बहुत अच्छे से उसका सेट बन जाता है। सो गाइज ये है मेरा नेक्स्ट सेट। प्राइस की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी प्राइस से मुझे मिल गया था। आप देखिए ये ब्यूटीफुल भी है, मैं आपको हाथ में पहन के दिखाती हूँ। ये आपको देखने में भले भारी लग रहा होगा, आई एम सो सॉरी, बट ये बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है। गाइस लुक कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। मैंने थोड़ा सा एक और ट्रिक कह लीजिए या एक और सजेशन है, जब भी आप इस तरह की चूड़ियाँ लिया कीजिए ना, जो आपका एग्जैक्ट साइज हो उसे थोड़ा सा बड़ा लिया कीजिए, क्योंकि होता क्या है आपको जब भी आप मेकअप करते हो ना, इस तरह की चीज़ें तुरंत आपको निकालने में इजी रहती है। मीन्स आपको बहुत ज़्यादा जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ती है पहनने के लिए, क्योंकि उस समय आपने हैवी मेकअप किया होता है और आप बहुत ज़्यादा क्या कह लीजिए पैनिक हो जाते हैं अगर आपका इस तरह से कुछ होता है तो। मीन्स अगर आपकी चूड़ियाँ नहीं आ रही हैं, आपने मेकअप कर लिया और आपको जल्दी जल्दी में चूड़ियाँ वगैरह डालना होती है, मैं उस चीज़ के लिए बता रही हूँ। तो ये है मेरा इस वाले बॉक्स का पहला सेट। अब मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट सेट। नेक्स्ट सेट गाइस ये है, ये मैंने अपनी मैरिज के टाइम पे बाय किया था और आप शाइन देख रहे होंगे इसकी। आज तक ये बैंगल बिल्कुल उसी तरह से है, क्योंकि मैं इसको जब भी पहनती हूँ बहुत अच्छे से कागज वाला जो पैक होता है ना, आप उससे भी अगर इसको रैप कर देते हैं, स्पेशली आपने देखा होगा ना चूड़ियों की शॉप पे वो कागज वाले मतलब न्यूज़पेपर वाले में ही रैप करके रखते हैं, तो अगर आप उससे भी रैप कर देते हो ना तो इनकी शाइन बनी रहती है। सो आप ये देखिए कितने ब्यूटीफुल है। प्लस इस तरह के जो बैंगल्स होते हैं, अगर आप सूट पर्सन हैं, अगर आप जीन्स टॉप पहनते हैं, सूट पहनते हैं, साड़ियाँ नहीं भी पहनते हैं, तब भी इस तरह के बैंगल्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो ये है मेरा नेक्स्ट सेट गाइस। मैंने एक और अपना बैंगल का वीडियो पहले भी डाला हुआ है, तो अगर आप चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगी, आप उसको भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। सो इस वाले बॉक्स का ये था मेरा नेक्स्ट सेट। अब बढ़ते हैं अपने थर्ड रो पे गाइस। थर्ड रो में मैं इस पे जाऊँ उससे पहले मैं इसके बारे में बताती हूँ। जब भी आप कहते हैं आपकी शादी होती है ना, तो कुछ टाइम आपको बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन बन के रहना होता है। उस टाइम के लिए इस तरह के जो बैंगल्स होते हैं ना, ये लटकन वाले, ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। तो आप अपने इस तरह के बॉक्स में ये वाला बैंगल ज़रूर रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा वर्क करते टाइम कन्वीनियंट नहीं रहता है, बट जब भी आप कोई अच्छा सा गेटअप करते हैं ना स्पेशली साड़ी के साथ में, और अगर ये लटकता है ना तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से लगता है। ये वाला जो बैंगल होता है वो हमेशा आपको चूड़ियों के बीच में डालना होता है, तभी इसकी जो खूबसूरती है वो बहुत अच्छे से उभर के आती है। ये है मेरा नेक्स्ट सेट। ये बहुत 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 ज्यादा ब्यूटीफुल है गाइस। आप इसको पास से देखिए कितना ब्यूटीफुल सा है। ये बहुत ही ज्यादा रॉयल लुक का बैंगल लगता है मुझको। प्लस इसमें जो भी इनका मैंने डिज़ाइन किया है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। आप पास से देखिए कितना ब्यूटीफुल लगता है। अगर आप इसको चूड़ियाँ नहीं पहनना चाहते हैं तो भी इस पूरे सेट को आप हाथ में पहन लीजिए और ये आपका पूरा पूरा चूड़ी का ही वर्क करता है। सो गाइस ये मुझे अभी थोड़ा सा अनइजी फील करा रहा है, मैं इसको पहन के आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। कुछ ये इस तरह का है, आप चाहेंगे तो इसके साथ थोड़ी थोड़ी चूड़ियाँ बीच में डालिए और आप अपना किसी भी तरह की आउटफिट पे इस तरह के बैंगल्स डाल सकते हैं। सो नाउ इस वाले बॉक्स का ये है मेरा लास्ट रो। ये थोड़ा सा बॉक्स, हाँ गाइस
अब ये वाला बैंगल देखिए, ये वाला जो कलर है ना ये बहुत ही ज्यादा शाइन करता है। स्पेशली मैं आपको पास से दिखाती हूँ, इन्होंने इसमें यहाँ पर भी बहुत अच्छे से जर्कन का वर्क दिया है। ये गाइस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। अगर आप लखनऊ में रहते हैं तो इस तरह के बैंगल्स आप प्रगति बाजार कपूरथला से बाय कर सकते हैं। मैंने इस तरह के बैंगल्स वहां पर भी देखे हुए हैं। अगर प्राइस की बात करें तो गाइस ये वाला जो बैंगल है ये मुझे कॉस्ट किया था अराउंड 300 रुपीज। ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और आप किसी भी तरह के चूड़ियों के साथ में मिक्स एंड मैच करके आप आराम से पहन सकते हो। अब उसके बाद गाइस अगेन ये सेम ही तरह का बैंगल है बट थोड़ी सी इसकी डिजाइन डिफरेंट है और ये बहुत ही हल्का है प्लस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। आप इसको पास से देखिए कितना ब्यूटीफुल है। गाइस इसका कॉस्ट की बात करें तो ये कॉस्ट किया था अराउंड 600 रुपीज। बैंगल्स के साथ में आप मल्टीपल कलर की चूड़ियों पहनेंगे या आप इसको ऐसे भी पहनेंगे या ऐसे भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। गाइस वन मोर थिंग, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको अपना कुछ ही बैंगल दिखा पा रही हूँ। जितना मेरे से इस वीडियो में कवर हो पाएगा उतना मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगी। अब मैं आपको दिखा दूँ अपना नेक्स्ट बॉक्स। अब गाइस जो मेरा नेक्स्ट सेट है ना वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद इसलिए क्योंकि ये मेरे हार्ट के बहुत ज्यादा करीब है। ये है मेरे हस्बैंड की पसंद और जो कि किसी स्पेशल ओकेजन तीज या करवा चौथ इस टाइम पे उन्होंने मुझे दिलाया था। प्लस ये कॉस्टली बहुत ज्यादा था एंड ये मेरी बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी का मैचिंग है। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, इसको मैंने इस तरह से रखा हुआ है। अभी तो मैंने इसको यूज़ किया था एक बार तो इसलिए मैंने इसको इसी में डाल दिया है, वैसे इसमें मैं नहीं रख रही हूँ। एंड गाइस अगर आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव और अच्छे बैंगल्स हैं तो आप बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर भी आते हैं, वो भी मैंने ऑनलाइन अभी डाला हुआ है बट अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है। तो मैं जब उसमें ये सारी चीज़ें उसी पे रखूँगी उसके बाद मैं उसके बारे में भी आपको एक वीडियो बना के बता दूंगी कि इस तरह की चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है तो आप भी अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। गाइस अगर आप इसको देखेंगे ना तो इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल तरह के बैंगल्स लगे हुए हैं और ये इन्होंने प्लेन चूड़ियों पर भी इन्होंने सिल्वर का एक लाइनिंग दी है जो कि इस तरह से गर्मियों पर शाइन करता है या आप जब भी आपका हार बेंड होता है ना तो भी इस पर बहुत ही ब्यूटीफुल सी शाइन आती है। एंड द बेस्ट पार्ट कि ये जो बैंगल है वो अभी तक का कह लीजिए कि ये सबसे कॉस्टली मुझे उन्होंने लिया था, बहुत ही कॉस्टली पड़ा था मुझे ये वाला बैंगल। प्लस ये उस मेरी साड़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। एग्जैक्टली ऐसे लगता है कि साड़ी को और इस वाले सेट को एक साथ ही पिरो के बनाया गया था क्योंकि उसमें भी कुछ इसी तरह का वर्क है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें सिल्वर, गोल्डन, मेटलिक, पिंक, सिल्वर लाइनिंग, सेम मेरी साड़ी भी कुछ इसी तरह के सीक्वेंस में बनी है। बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। गाइस चूड़ियाँ जो होती है ना वो आपके आउटफिट का ना मेन अट्रैक्शन होती है। तो अगर आपने साड़ी कोई नॉर्मल सी भी डाली हुई है बट आपने बैंगल्स बहुत ही ब्यूटीफुल से कैरी किए हैं तो आपका कोई तोड़ नहीं है और सभी की जो निगाहें है ना डेफिनेटली आप पे ही रुकने वाली हैं। अब गाइस जो नेक्स्ट बॉक्स है वो है ये, आप पास से देखिए इसको मैं आप पहन के नहीं दिखा रही हूँ। गाइस आप अपने पास ना कुछ इस तरह की चूड़ियों का कलेक्शन भी रख लीजिए। ये है स्पेशली गोल्डन चूड़ियाँ, मैंने आप देखिए इसमें कितनी तरह की मैंने चूड़ियाँ रखी हैं। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, अगेन ये डिफरेंट है, ये अगेन डिफरेंट है, इधर की चूड़ियाँ भी थोड़ी सी डिफरेंट है और ये डिफरेंट है। सब गोल्डन है बट सबका जो वर्क है ना गाइस गोल्डन वाला वो डिफरेंट है। इन चूड़ियों का बेस्ट बेनिफिट ये रहता है कि अगर आप कोई बैंगल नहीं डालना चाहते हैं, आप कोई कड़ा नहीं डालना चाहते हैं तो बस अपनी चूड़ियों के साथ इसमें से जो भी बेस्ट मैच जाए वो वाली गोल्डन चूड़ियाँ लगाइए और आप कोई भी एक नॉर्मल सा बैंगल डालिए अगर डालना है तो एंड यू आर शॉर्टेड। इस तरह की जो चूड़ियाँ होती हैं उनका कलेक्शन आपके पास ज़रूर होना चाहिए ताकि आप प्लेन चूड़ियों के साथ में भी इस तरह की चूड़ियों को पहनिए। अगर आपकी ये वाली चूड़ियाँ कम भी हैं तो इन वाली चूड़ियों को डालने से आपका एक बहुत अच्छा लुक भी बन जाता है प्लस बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाता है एंड आप एक पार्टी रेडी लुक में भी आ जाते हो। अब गाइस गोल्डन वाले के बारे में ये है मेरा कुछ रेड चूड़ियों का कलेक्शन। वैसे मैंने रेड में बहुत तरह की वैरायटी रखी है बट ये मैं आपको एक सेट दिखाती हूँ। ये वाला जो सेट है ये अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल सा सेट है। गाइस ये वाला जो सेट है वो स्पेशली इसलिए मैंने बाय किया था क्योंकि इसमें इस तरह की मोतियों वाली चूड़ियाँ है। इस तरह की चूड़ी अगर आपके पास रहती है तो आप
किसी भी तरह की चूड़ी के साथ में इसको पेयर कर सकते हैं। लाइक स्पेशली मैंने इसको ग्रीन के साथ पहनने के लिए लिया था। ये कुछ कंगन का ही वर्क करती हैं ये चूड़ियाँ। इसमें आप देख रहे होंगे रेड और गोल्डन कलर की मोती के साथ में वर्क है। प्लस ये वाला जो बैंगल है इसको आप अगर नहीं चूड़ियाँ पहन रहे हैं तो आप सिंगल सिंगल बैंगल्स भी पहन सकते हैं। ये वाला जो सेट है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा था मुझे, इसलिए मैंने बाय किया था। प्लस इस वाले सेट को मैं कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कम चूड़ियाँ पहननी होती हैं तो मैं इसको कुछ इस तरह से भी कैरी कर लेती हूँ। और ये गाइस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, ये एक हैवी लुक देती है। प्लस आपको थोड़ा सा लाइक रेडी वाला जो लुक होता है ना बाहर जाने के लिए, जो रेडी वाला लुक होता है, कुछ वो लुक भी आपको ये एट द सेम टाइम देती है। अब उसके बाद रेड में मेरे पास कुछ इस तरह की बैंगल्स हैं। मैं कुछ कुछ बैंगल्स ही आपको दिखा रही हूँ, अब थोड़ा सा जल्दी वीडियो को कर रही हूँ। प्लस ये वाली जो चूड़ियाँ हैं वो अगेन प्लेन प्लस थोड़ा सा डिजाइनर चूड़ियाँ हैं। और ये तरह ये वाली चूड़ियाँ आपको सभी को पता है, इन वाली चूड़ियों को बोलते हैं कामदार चूड़ियाँ। सो गाइस ये है कुछ रेड का कलेक्शन। इसके बाद गाइस मैंने ना कुछ इस तरह के, आप कह लीजिए कि ये हैं तो चूड़ियाँ बट इसमें पूरा नग लगा हुआ है, तो इस तरह का सेट मैंने इसलिए रखा है ताकि किसी भी चूड़ी का अगर आपके पास कम सेट बचा है तो आप इस तरह की चूड़ियों के साथ में उनको पेयर कीजिए। और गाइस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, मैं आपको कुछ चूड़ियों के साथ में दिखा रही हूँ। गाइस देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। तो मैंने जो ये कुछ सिल्वर और कुछ गोल्डन ये इस तरह की चूड़ियाँ मैंने इसीलिए बाय कर रखी है ताकि कभी कभी मेरा इस तरह का पहनने का मन हो तो मैं कुछ इस तरह का मैच करके भी पहन लूँ। सो गाइस ये है मेरा इस तरह की चूड़ियों को रखने का पर्पस। अब उसके अलावा मेरे पास एक इस तरह की नग वाली रेड चूड़ियाँ मैंने रखी हैं। स्पेशली ये चूड़ियाँ आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी। प्लस ये वाली जो चूड़ियाँ है ना वो ब्यूटीफुल भी है, प्लस इस तरह की चूड़ियाँ आप प्लेन चूड़ियों के साथ जब पहनते हो ना तो बहुत उभर के एक लुक आता है, ये बहुत डिफरेंट टाइप का लुक आता है जस्ट बिकॉज ऑफ इस तरह के डिज़ाइन की चूड़ियों की वजह से। सो मैंने इस तरह की चूड़ियाँ इसीलिए रखी हैं ताकि मैं पहनूँ उनको किसी और तरह की चूड़ियों के साथ, या कभी कभार मैं इन चूड़ियों को सिंपल हाफ और इतनी की चूड़ियाँ करके भी पहन लेती हूँ। और ये ऐसे भी बहुत अच्छी लगती हैं और जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से भी ये बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। इसके अलावा गाइस मैं आपको रैंडम चीज़ें दिखा देती हूँ। उसके अलावा मेरे पास है ये मैंने रिसेंट बाय किया है। अगेन एक अलग बॉक्स है गाइस, मैं इसकी बैंगल्स वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ। इस तरह का कुछ मेरे पास है। स्पेशली ये वाली जो चूड़ियाँ हैं ना ये मेरी साड़ियों की मैचिंग है, एक ये वाली मैचिंग है। प्लस इस तरह का एक मेरे पास बहुत ही ब्यूटीफुल सा है। अगेन मैंने ये मोती वाले वायर बैंगल्स बाय की है जिनको मैं इस चूड़ियों के साथ भी पहनती हूँ, इस चूड़ियों के साथ भी पहनती हूँ, इस चूड़ियों के साथ भी पहनती हूँ एंड इस तरह की चूड़ियों के साथ भी पहनती हूँ। ये वाले मोती वाले जो बैंगल्स वाले होते हैं ना, ये वाली जो चूड़ियाँ होती हैं ना ये बहुत मल्टीपर्पज़ होती हैं गाइस। आप इस तरह की चूड़ियों को अपने पास ज़रूर रखा कीजिए। प्लस इस तरह का मैंने अगेन प्लेन रखा हुआ है। अब आते हैं बैंगल्स पे, जो स्पेशली कड़ों पे। सो गाइस ये है मेरे बहुत ही ब्यूटीफुल ऑल टाइम पहनने वाले कड़े जिसको पहन के मैं वर्क करती हूँ, हाउस होल्ड चोर सब कुछ मैं पहन के करती हूँ। स्पेशली इस तरह के जो बैंगल्स होते हैं वो सुंदर भी लगते हैं, मीन्स आपके हाथों में भी बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। प्लस ये थोड़ा सा ना रफ एंड टफ भी होते हैं, तो आप अगर घर के काम भी करते हो ना तो ये बहुत जल्दी ख़राब भी होते हैं। और इस तरह के जो मैं बैंगल्स रखती हूँ ना वो इसलिए रखती हूँ ताकि अगर बहुत ज़्यादा वर्क है प्लस आपको एट द सेम टाइम बहुत ही तरह की चीज़ों पे वर्क करना है, मीन्स आपको तरह तरह की साड़ियाँ भी पहननी है, तो इस तरह के बैंगल मैं उस पीरियड में पहनती हूँ। क्योंकि पहली बात तो ये मल्टी कलर है तो बहुत सारे आउटफिट पे चल जाती है, मीन्स साड़ी सूट ड्रेस सभी में इस तरह के बैंगल्स चल जाते हैं, इसलिए मैंने इनको रखा हुआ है। अब इसके बाद गाइस ये वाला जो बैंगल है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे कलर देखिए इसका बहुत ज़्यादा ब्राइट है, प्लस ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सूट पे तो ये बहुत गजब के लगते हैं। ये ब्रेसलेट लुक में कुछ आपको लगता है, अगर आप सिंगल सिंगल भी पहनते हैं ना तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है। बस एक जो ड्रॉबैक है इस तरह के बैंगल का वो ये है कि अगर ये गीले हुए ना तो इनके थ्रेड खुल जाते हैं और फिर ये बैंगल किसी काम के नहीं रहते। सो ये बस एक कमी है इस वाले बैंगल की। उसके बाद गाइस मैंने बाय किया है कुछ इस तरह के कड़े। ये ऑल टाइम फेवरेट मेरे कड़े हैं। पहली बात तो ये कि ये ब्यूटीफुल है, दूसरी चीज़ अगर आप न्यूली ब्राइड हैं तो इस तरह के कड़े आपके हाथों पे बहुत खूबसूरत लगते हैं। प्लस अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐसा भी रहता है कि आप थोड़ा इजी नहीं रहते हो चूड़ियों के साथ में,
क्योंकि चूड़ियों की आपको आदत नहीं रहती है, तो अगर आप इस तरह के बैंगल्स अपने पास रखोगे ना तो आपका थोड़ा सा कन्वीनियंट भी रहेगा, प्लस आपको किसी भी चीज़ का दुख नहीं होगा कि आपकी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें आपकी ख़राब हो गई। तो उस तरह के टाइम के लिए इस तरह के बैंगल बेस्ट रहते हैं। प्लस अगर आप मैरिड हैं तो भी आपके पास ये वाले बैंगल ज़रूर होने चाहिए। ये ऑल टाइम रफ एंड टफ प्लस टिकाऊ आपका हमेशा साथ देने वाले होते हैं। तो इसलिए मैं इस तरह के बैंगल के सेट आपको मेरे पास बहुत सारे मिल जाएंगे। अभी इस वाले वीडियो में तो मैं नहीं शो कर पा रही हूँ आपको, बट इस तरह के जो सेट है ना मेरे पास हर कलर के आपके पास मेरे पास मिल जाएंगे आपको देखने के। नेक्स्ट सेट पे गाइस, ये अगेन आप देखिए ये जो चूड़ी है ना वो मैंने पिछले वाले हॉल में भी आपको दिखाई थी। ये वाला बैंगल स्पेशली मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये वाला बैंगल का जो सेट है वो मेरे फादर ने मुझे परचेस करके दिया था। तो ये लाइफ लॉन्ग मेरे लिए ऑल टाइम फेवरेट, ओवर एक्सपेंसिव क्या मतलब बहुमूल्य रहेगा। इसका तो कोई भी मैच नहीं मैं कर सकती हूँ, या मैं कह लीजिए कोई भी इसके साथ में कंपैरिजन नहीं कर सकती हूँ। ये वाला जो बैंगल है वो ऑलवेज मैं जितनी बार देखती हूँ उतनी बार मुझे याद आते हैं अपने फादर की। और ये वाला चूड़ी मेरा तो मन करता है मैं डेली पहनूँ, बट क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं इसको कम पहनती हूँ। प्लस ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बहुमूल्य है। अब इसके अलावा गाइस, ये मैंने रिसेंटली परचेज की है, अभी आप देख ही रहे होंगे, इसके मैंने बॉक्स ही नहीं खोले। ये मेरे सासू माँ ने मुझे पिस्ता ग्रीन कलर की साड़ी दी थी। प्लस मार्केट में गाइस ये हार्ट शेप वाली बैंगल्स अभी मार्केट में न्यू आई है, तो आप इस तरह की बैंगल्स मार्केट में जाके अपने ये बाय कर सकते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं। इसमें बीच में डायमंड रखे हैं और दोनों तरफ से इन्होंने अगेन स्पार्कल दिया है, उसके बाद इन्होंने हार्ट का सीक्वेंस दिया है। ये गाइस बैंगल बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, स्पेशली इस तरह की बैंगल्स आपकी प्लेन साड़ियों पे बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं। अब इसके अलावा गाइस, इस तरह का मैंने एक बैंगल का सेट अपने पास रखा है, अगेन ऑल टाइम फेवरेट। जल्दी में हो और बैंगल डालना है अपने रोज रोज, अगर आप बैंगल चेंज करने वाली पर्सन हो तो इस तरह के बैंगल अपने पास जरूर रखिए, क्योंकि आप तुरंत इसको हाथ में डालिए और तुरंत आप रेडी हो जाते हैं। इस तरह मैं इसको पहनती हूँ, प्लस ये हर तरह के आउटफिट पे चले भी जाते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही, बहुत ट्राई किया बट मैं सारे बैंगल्स के बारे में आपको नहीं बता पाई, उसके लिए सॉरी। एंड गाइस आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। गाइस अगर आपको कोई भी बैंगल पसंद आ रहा हो तो डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलिएगा, मैंने जो भी ऑनलाइन बाय किया है उसकी बाय लिंक आपको मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।